अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आरबीसी नॉलेज। दोस्तों, कहा जाता है कि सड़कें मंजिलों का पता देती हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे सड़कें भी पाई जाती हैं जो मौत का पता देती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ऐसे खतरनाक तरीन रस्तों के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर जाना तो दूर की बात, सोच कर भी आपको चक्कर आ जाएंगे। चलें शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सिचुआन तिब्बत हाईवे, यह सड़क चाइना में मौजूद है। इसकी लंबाई 2140 किलोमीटर है। इस सड़क को डेंजरस बनाने में रॉक स्लाइड्स, बर्फानी तोदे और चट्टानें अहम किरदार अदा करती हैं। दरअसल ये शाहरा सिचुआन को तिब्बत से जोड़ती है। कहा जाता है कि इस शाहरा की तमीर के दौरान 1000 वर्कर्स अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस रोड पर गाड़ी चलाने के लिए महारत के साथ साथ बहादुरी भी चाहिए होती है, क्योंकि इस सड़क पर तकरीबन 1,00,000 ड्राइवर में से तकरीबन 7,000 के करीब लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। जजीला पास इंडिया। जजीला पास लद्दाख इंडिया में पाया जाने वाला ऐसा रास्ता है जो साल में 6 महीने बंद रहता है। इसकी वजह यहां पर पड़ने वाली शदीद बर्फबारी है। ये रोड इतना तंग है कि इस पर गाड़ी चुंटी की रफ्तार से सफर करती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2009 में इस रास्ते से गिरकर 350 लोग अपनी जान की बाजी हार गए। जेम्स डाल्टन हाईवे, अमेरिका में मौजूद ये हाईवे अक्सर बर्फ से ढका रहता है और गाड़ी फिसलती रहती है। 414 मील लंबे इस हाईवे के आसपास सिर्फ बर्फ ही पड़ी रहती है। इस रास्ते के इर्द गिर्द आबादी तकरीबन ना होने के बराबर है, इसलिए अगर इस रास्ते पर फ्यूल खत्म हो जाए या कोई दूसरा मसला हो जाए तो आपको यहाँ पर मदद के लिए कई हफ्तों का इंतजार करना पड़ सकता है। बर्फबारी की वजह से यहाँ पर अक्सर रोड ब्लॉक हो जाते हैं और इंसान ना तो आगे सफर कर सकता है और ना ही पीछे की जानिब। D915 हाईवे, ये सड़क 106 किलोमीटर लंबी है। ये सड़क तुर्की में अनातोलिया के हद पर वाक़े है। इस सड़क पर छोटी से छोटी गलती आपकी मौत का सबब बन सकती है। इस सड़क पर सबसे बड़ा खतरा ये है कि इस पर कोई भी साइड बैरियर वगैरह मौजूद नहीं है और खास तौर पर सर्दियों में बर्फबारी और बर्फानी तोदों की वजह से यह रास्ता मौत का रास्ता बन जाता है। इसे मुकामी लोग रोड टू हेल भी कहते हैं। नॉर्थ यंगस्ट रोड ऑफ बोलिविया, इसे डेथ रोड ऑफ बोलिविया भी कहा जाता है। इस रोड पर अक्सर बारिश और धुंध रहती है जिसकी वजह से फिसलन होती रहती है। ये रास्ता हर साल सैकड़ों लोगों की मौत का सबब बनता है। इसके अलावा सड़क पर गिरती आबशारें भी इसकी हैबत में इजाफा करती हैं। मैनिंग रोड, दोस्तों ये रोड नेपाल में पाया जाता है। नेपाल के रोड्स यूं तो अक्सर ही दुनिया के खतरनाक तरीन रोड्स तस्वर किए जाते हैं, लेकिन मैनिंग रोड नेपाल के खतरनाक तरीन रस्तों में से सरे फहरिस्त है। यह रोड सतह समंदर से 2329 फीट बुलंद है। यह रोड मुकम्मल तौर पर जिगजैग है। तेजी से चलती हवा और तंग रोड की वजह से इस पर सफर करना इंतहाई मुश्किल काम है, लेकिन इन सब के बावजूद इस रोड पर गिरते वाटरफॉल्स इस रस्ते को और भी मुश्किल बना देते हैं। इन वाटरफॉल्स का बहाव बहुत तेज होता है। अगर यहाँ आपकी गाड़ी फिसली तो सीधी नीचे खाई में जा गिरती है। इन वाटरफॉल्स का बहाव बहुत तेज होता है जिसकी वजह से गाड़ी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पैसेज ड्यू गैस फ्रांस, फ्रांस की ये रोड दिखने में बहुत ज्यादा दिलकश है, क्योंकि ये सड़क समंदर के बीच में बनी हुई है और दिन में 2 बार ये मुकम्मल तौर पर समंदर में डूब जाती है। सड़क डूबने की वजह से ड्राइवर सड़क को देख नहीं सकते, जिसकी वजह से वो अपनी गाड़ी का रुख समंदर की जानिब कर लेते हैं और डूब जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी पानी खुद भी गाड़ियों को सड़क से हटाकर समंदर में ले जाता है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ डूब जाती हैं। किश्तवर रोड इंडिया, इस रोड को दुनिया के 5 खतरनाक तरीन रस्तों में शुमार किया जाता है। सतह समंदर से 2000 फुट बुलंदी पर यह रोड पहाड़ों को तराश कर बनाया गया है। यह रोड इतना तंग है कि ऐसा लगता है कि गाड़ी की एक साइड रोड से अभी उतर जाएगी। फेरी मेडोज रोड पाकिस्तान, दुनिया की 9वीं बुलंद तरीन चोटी नांगा पर्वत से गुजरने वाला ये रोड इंतहाई खतरनाक है। यह सतह समुंदर से 3300 मीटर बुलंदी पर है। यह रास्ता बगैर किसी एहतियाती तदबीर के बना हुआ है। कहा जाता है कि इस रोड को नांगा पर्वत में बसने वाले मुकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बनाया था। इस रास्ते पर एक वक्त में एक ही गाड़ी गुजर सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल स्टेटस 2013 के मुताबिक ये दुनिया का दूसरा खतरनाक तरीन रोड है। काहिल क्रॉसिंग ईस्ट एलिगेटर रिवर, ये रोड दरिया के बिल्कुल बीच में से गुजरता है और ज्यादातर ये रोड दरिया के पानी में डूबा रहता है। यहाँ से अक्सर गाड़ियाँ पानी के तेज बहाव की वजह से बेकाबू होकर बह जाती हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस दरिया में खूनखार मगरमच्छ रहते हैं जो किसी इंसान की बचने की उम्मीद को खत्म कर देते हैं। हाँ, अगर कोई शख्स अपनी गाड़ी में ही बैठा रहे और बाहर ना निकले तो वो शख्स मगरमच्छ के हमलों से बच सकता है।
दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।